सर थोड़ा बताइए सर, हम मतलब क्यों उधर आए, क्या है ये गर्ल फूड मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है जो 8 से 10 तारीख तक है, 3 दिन के लिए। ओके, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फूड की मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग वगैरह कैसी होती है वो उसमें दिखाया जाएगा। देर देर से कंपनीज आती हैं, ओके, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको यहाँ पे काफी कुछ देखने को मिलेगा। बने रहे हम सर। सो गर्ल फूड मैन्युफैक्चरिंग में आज हम इधर आए हैं। यहाँ पे हर एक कंट्री के अपने अपने मैन्युफैक्चर जितने भी हैं वो सब इस मैन्युफैक्चरिंग में अपना पार्टिसिपेट लेते हैं और जो भी उनकी मशीनें, जो भी उनका काम, पैकेजिंग से लेकर हर एक चीज़, जितने वेंडर हैं सारे वेंडर अपना अपना यहाँ पे मशीन्स प्रमोट करते हैं, अपनी पैकेजिंग प्रमोट करते हैं। तो अभी हम पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो मेनली ये जो एग्जीबिशन होता है ये सिर्फ एक तरीके से वेंडरों को सपोर्ट करने के लिए होता है और वेंडर अपने किसी भी इक्विपमेंट को प्रमोट करते हैं तो यहाँ पे एग्जीबिशन उस चीज से लगता है। यहाँ पे देश विदेश से सब लोग आते हैं, वर्ल्ड के आते हैं। अच्छा भाई, फिर भी कितने चार्ज लेते हैं? 350 गुस्से में खा के जाते हैं लोग, जब भी गुस्से में खा के जाते हैं। 350 क्या बात कर रहे हो? नहीं भाई, ये क्या है? अरे हमारी पॉपुलर कटलेट यहीं से आती है ना भाई, हमारी सारी यहीं की है। मैन्युफैक्चर मशीन से सैसे बना के निकालती है, यही मशीन का सैसे फोरिंग होती है। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है, बताओ इज्जत ही नहीं है। मैं वहां जाके खड़ा हूँ, फोटो खींचो। ओके ठीक है, भाई साहब स्मार्ट इतने लग रहे हो कि पूछो मत बस। तो अभी हमने आपको दिखाया कि गर्ल सी फूड जो है अंदर, गर्ल फूड मैन्युफैक्चरिंग का आपको हमने एग्जीबिशन दिखाया। आप अंग्रेज को देख पा रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहा है।
टेक्नो टीम टेक्नो का